अस्सलाम वालेकुम डियर आरपीएन व्यूअर्स, मैं हूं रजा मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज बैरियर टाउन कराची का जो मेन गेट है उसको ओपन कर दिया गया है, इसके हवाले से मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे कस्टमर्स के लिए, इवन के यहाँ के जो रिहायशी हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। जो प्रीसेंट वन की दूसरी साइड से बैरियर ने इसको 8 से 10 महीने के लिए जो दूसरा मुतबादल रास्ता बनाया हुआ था जहाँ से आप लोग एंटर होते थे, अब आप लोगों को वहाँ से एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। बैरियर टाउन कराची का जो मेन गेट है उसको आज के दिन ओपन कर दिया गया है। सुबह 28 फरवरी 2022 इसकी आज की जो ऑपरेशनल डेट है उस पर इसको सुबह 8 बजे ओपन कर दिया गया था। ड्यू टू सम रीज़न्स पिछले साल के स्टार्ट में अप्रैल मई में जो एक बैरियर टाउन कराची के साथ जो बैड अनासर थे उन्होंने कुछ इस तरह के इश्यूज बनाए थे जिससे बैरियर टाउन कराची का जो गेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था और उसकी जो रेनोवेशन थी उसकी जो अगेन उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उसको बहुत हाई लेवल पे उसको डिस्टर्ब किया गया था, तो उसको दोबारा बैरियर टाउन कराची ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत तेज़ी के साथ दोबारा उसको उसी शेप में दोबारा खड़ा कर दिया है और उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह से ओपनिंग उसकी कर दी गई है दोबारा। तो अभी ऐसे वो कस्टमर्स जो बैरियर टाउन कराची रोज़ आ जा रहे हैं, जो डेफिनेटली यहाँ बैरियर के रिहायशी हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत एक गुड न्यूज़ है क्योंकि डेफिनेटली उनको पहले प्रीसेंट वन से हो के आना पड़ता था। बैरियर ने उसका एक मुतबादल रास्ता निकाला था जो कि गेट से पहले प्रीसेंट वन के साथ में एक शॉर्ट सा उस्मानिया के साथ इन्होंने एक अपना टोल प्लाजा बनाया हुआ था, तो वो भी अभी स्टिल एक्टिव है। लेकिन जो बैरियर टाउन कराची का मेन गेट है जहाँ से आपकी बैरियर की कराची की प्रॉपर एंट्रेंस होती है उसको खोल दिया गया है, अब आप लोग उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। और ये बैरियर टाउन कराची ने जितने टाइम में डिलीवर्ड किया है, अगेन इसको दोबारा रेडी किया है, मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ है, डेफिनेटली बाकी क्लाइंट्स के लिए भी होगा। और इसका आज प्रॉपर दोबारा से इसको ओपन कर दिया गया है, तो इसके जो रीज़न्स थे वो जो इफ़ेक्ट्स हुए थे इसके ऊपर वो एक बहुत बड़ा सानिया था हम सब के लिए, बैरियर के रिहायशियों के लिए, बैरियर टाउन कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए। लेकिन बैरियर कराची ने, बैरियर की मैनेजमेंट ने अपनी चीज़ों को दोबारा उसी जगह पे ला के स्टैंड कर दिया है जिससे बैरियर ने ये सबूत दिया है कि बैरियर कराची एक बैरियर टाउन की जो सोसाइटी है वो एक ख़ुद में एक नाम है। और उन्होंने इसी गेट को दोबारा अब बहुत अच्छे तरीके से उसी लेवल पे इसको दोबारा सेट कर दिया है, और जब आप लोग इंशाल्लाह इसमें एंट्री या एग्ज़िट करेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसके साथ कोई इफ़ेक्ट हुआ था या इसकी जो इवन के जो इसका डिज़ाइन था, जो इसके कलर्स थे, जो इसकी खूबसूरती थी वो वैसी ही आ जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह वहाँ से जब एंटर हुआ हूँ तो मेरी एक जो फीलिंग्स थी एंटर होने की वो एक डिफरेंट थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी आप इस सोसाइटी में इन होते हैं तो उसकी जो एंट्रेंस गेट होता है वो उसकी बहुत वर्थ रखता है, वो बताता है कि अंदर की डिवेलपमेंट कैसी है या अंदर की जो सोसाइटी की सिचुएशन होगी वो गेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने ये एक शॉर्ट सा मैसेज फॉरवर्ड किया है, मैंने कहा मैं अपने कस्टमर्स को बता दूं आज रोज़ 28 फरवरी 2022 को इसका सुबह गेट ओपन कर दिया गया है। आप लोग इसको जो भी लोग रोज़ आते जाते हैं वो अपने इस गेट से प्रॉपर अपना ट्रैवल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी ऐसी न्यूज़ बैरियर की गुड न्यूज़ जो होंगी वो इंशाल्लाह रज़ा मुजाहिद आरपीएन के प्लेटफॉर्म से आपसे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। थैंक यू सो मच।